वेलकम टू स्टडी 24। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। आपको पता है हम 10 क्वेश्चंस का सेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। क्या है, आई नो ही लव्स मी बिकॉज ही हैंड्स मी अ बुके ऑफ फ्लावर ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड। ठीक है, बताइए किस पार्ट में एरर है और डी ऑप्शन आपका नो एरर है। क्या कहा गया है कि आई नो, मैं जानती हूँ कि वो मुझे प्यार करता है बिकॉज वो मुझे हर वीकेंड पे बुके ऑफ फ्लावर देता है। ठीक है, बुके देता है, इसलिए मुझे पता है कि वो मुझे प्यार करता है। ठीक है, बड़ा रोमांटिक है भाई, हर वीकेंड पे कौन बुके देता होगा, आजकल तो मिलना मुश्किल है ना ऐसा प्यार। चलिए देखते हैं कौन सी एरर आ रही है हमारे किस पार्ट में। एरर देखिए क्या होता है, बुके ऑफ फ्लावर नहीं होता, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है ना, प्लूरल होता है ना, फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स। ठीक, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है ना कि फ्लावर। ठीक, तो यहां पर जो सी पार्ट में आपका है, सी पार्ट में फ्लावर्स कर लेंगे, फ्लावर की जगह फ्लावर्स कर लेंगे, क्योंकि बुके ऑफ फ्लावर्स होता है ना, एक फूल का बुके थोड़ी होगा, एक फूल का बुके पकड़ा दिया ऐसे ही, एक फूल पकड़ा दो बुके में रखने नहीं, कैसे बुके के बाद हमेशा बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, या आप याद रखिए बुके ऑफ प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो सी पार्ट में जो आपकी एरर है, फ्लावर की जगह पे फ्लावर्स कर लेंगे। ठीक है, प्लूरल बना लेंगे, सी पार्ट आपकी एरर हो गई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। क्या हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बहुत से त्योहार सदियों से, मतलब सेलिब्रेट करते आ रहे हैं सेंचुरी से। ठीक, ये कहा गया है। चलिए बताइए कौन से पार्ट में एरर है आपकी, ए बी सी और डी, बताइए। देखिए क्या कहा गया है कि हम सदियों से फेस्टिवल्स करते आ रहे हैं। ठीक, ये जब सेंचुरीज की बात आती है, सिंस जो लगा है आपका, सिंस होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस, और फॉर किसके लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर सदियों से बात करी गई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करेगी ना, कौन से सन से या कौन सी सदी से, ये सब बात नहीं करी गई, डायरेक्ट सेंचुरीज बोल दिया। तो सिंस ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला, सिंस की जगह पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक, सिंस को हटा देंगे, सिंस को हटा देंगे, सिंस की जगह पे फॉर आएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात करी गई है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करी गई। पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती तो हमारा सिंस लगा रहता। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। क्या कहा गया है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्यों आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में डिले हुई है। ठीक, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में, वो बताता है कि आई कैन एक्सप्लेन यू कि क्या रीजन रहा है इसके पीछे। चलिए बताइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए ये जो एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन के बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा आपका, एक्सप्लेन टू समवन होता है ना, किसी को आप एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन यू नहीं, एक्सप्लेन टू यू होगा। ठीक, एक्सप्लेन के बाद टू प्रपोजिशन आता है, इसलिए इसका ए पार्ट में जो एरर आएगी टू लगेगा, एक्सप्लेन के बाद हम लोग टू का यूज कर लेंगे, आई कैन एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रपोजिशन आएगा ना, एक्सप्लेन टू यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। ठीक है, तो एक्सप्लेन के बाद टू लगा देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, कि एज सच यू नीड, अगर आपको जरूरत होती है पैसों की तो बस मुझे लिख दीजिए, उतना ही काफी होगा, जस्ट राइट टू मी, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत कम दोस्त या रिलेटिव ऐसे होते हैं कि बस आपके कहने की देर होती है, या आपके इमोशन समझ जाते हैं कि आपको नींद है किसी चीज की। ठीक, चलिए कौन से पार्ट में एरर है बताइए। देखिए ये जो एज सच दे रखा है, एज सच मीन्स क्या होता है, जैसे कि या
जैसे कि जैसा वैसा होता है ना, जैसा वैसा ठीक एज सच। तो जैसे कि तो सेंस नहीं आ रहा, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी, सेंस आ रहा है अगर का, इफ का सेंस आ रहा है। अगर आपको जरूरत होती है तो बस मुझे लिख दीजिए, उतना ही काफी होगा ठीक है। तो ए पार्ट में जो एज सच आपका दे रखा है, एज सच ना लगा के हम लोग इफ का यूज करेंगे, इसको हटा देंगे और इफ का यूज करेंगे ठीक। एज सच हटा के इफ का यूज करेंगे, इफ यू नीड एनी मनी, अगर आपको जरूरत होती है मनी की जस्ट राइट टू मी, मुझे लिख दीजिए ठीक। एज सच नहीं लगेगा, इसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई टू डेज। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम कंप्लीट करो बाई टू डेज, दो दिनों में ठीक है। देखिए दो दिनों में कंप्लीट करना है ना काम, दो दिनों में। तो ये जो बाई आपका लगा है ये ना लग के इन लगेगा, इन टू डेज। बाई टू डेज क्या होता है, इन टू डेज, टू डेज में आपको काम करना है, इन टू डेज, थ्री डेज, इन अ वीक। तो बाई क्या होता है, बाई भी लगेगा यहाँ पर, इन प्रपोजिशन आपका आएगा, इन आपका करेक्ट हो जाएगा सिंपली, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क इन टू डेज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या आ रहा है, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल ठीक है। क्या कहा गया है कि जो क्राउड था स्टेशन पर माइग्रेंट वर्कर का, माइग्रेंट मीन्स प्रवासी जो होते हैं, प्रवासी वर्कर का जो था आपका स्टेशन पर, श्रमिक स्पेशल जो आपकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उसके लिए वो अनफॉरगेटेबल था, बिल्कुल भूलने योग्य नहीं था, बहुत भुला नहीं सकते उसको, इतना क्राउड था उस ट्रेन के लिए स्टेशन पर ठीक है। इसमें बताइए कहाँ पर आपका एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है आपकी। पढ़िए फिर से, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल, बुलाने योग्य नहीं है बिल्कुल। देखिए क्राउड क्या होता है आपका, क्राउड क्या होगा, बहुत सारे लोगों का क्राउड होगा ना। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है वर्कर, एक की बात थोड़ी, एक इंसान का कैसे क्राउड हो सकता है, क्राउड तो बहुत सारे लोगों का होता है ना, भीड़। तो वर्कर की जगह पे वर्कर्स होगा आपका, ये जो बी पार्ट में आपके एरर है, वर्कर लिखा है इसमें हम लोग एस लगाएंगे क्योंकि क्राउड होता है प्लूरल, क्राउड को जो है, क्राउड बहुत सारे लोगों का होगा ना, तो वर्कर्स का होगा, तो वर्कर को हम लोग प्लूरल कर लेंगे, वर्कर्स कर लेंगे, क्राउड वर्कर्स का होगा ना, एक वर्कर का थोड़ी होगा, माइग्रेंट वर्कर्स ठीक। तो बी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, वर्कर का वर्कर्स हो जाएगा ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैरेज। क्या कहा गया है कि गैरेज में, यह वही एल्बम है जो मुझे गैरेज से मिली, हु आई फाउंड इन द गैरेज, ये वह एल्बम है, पुरानी एल्बम्स रख देते हैं हम लोग, पुरानी यादें गैरेज की सफाई में मिल गई होगी उसको, तो वो कह रहा है ये वही एल्बम है जो मुझे गैरेज में मिली। चलिए देखिए, ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हु, क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, हम लोग किसके लिए लगाते हैं, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बींग ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एल्बम कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं, लिविंग थिंग तो है नहीं, तो एल्बम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे आपका एल्बम के लिए, क्योंकि एल्बम आपका नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। तो विच जो है आपका बी पार्ट में, विच आपका करेक्ट होगा, क्योंकि विच एल्बम को बता रहा है ना, एल्बम की हमें रिलेट करना है ना एल्बम से, तो एल्बम के साथ हु तो लगाएंगे, हु लगता है आपका लिविंग थिंग के साथ, ह्यूमन बींग के साथ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे, जो मुझे मिली है नॉन लिविंग थिंग के साथ विच का यूज करेंगे, जो मुझे मिली है गैरेज में ठीक है। तो दिस इज द एल्बम विच आई फाउंड इन द गैरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी।
जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, द मोर द बेटर, होता नहीं है। चलिए देखिए क्या होता है इसमें, द मोर हार्डर, ये आपका रूल होता है, जैसे द हार्डर या द बेटर, तो यहाँ पर द, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले इन्होंने लगा दिए मोर, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में थोड़ी लग जाएंगी, मोर भी कंपैरेटिव है, ये भी हार्डर भी कंपैरेटिव है, तो हम लोग यहाँ से मोर को हटा देंगे, मोर को हटा देंगे, तो मोर ना लग के आपका डायरेक्ट लगेगा द हार्डर यू वर्क, जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, द हार्डर द बेटर, जितना उतना का सेंस आता है इसमें, तो कंपैरेटिव डिग्री एक ही यूज होगी ना, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो द हार्डर और द बेटर, द हार्डर द बेटर होगा। अब दोनों अलग गई है कंपैरेटिव डिग्री, मोर का सेंस नहीं है, मोर नहीं लग सकते यहाँ पे, क्योंकि हमने हार्डर लगा दिया, दोनों नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे, गलत हो जाएगा, तो मोर नहीं लगेगा आपका, सिंपली हार्डर लगेगा, तो ए पार्ट में जो आपका मोर है इसको हम लोग हटा देंगे, द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, द मोर द हार्डर द बेटर, ऐसे होता है, एक ही लगाएंगे ना कंपैरेटिव डिग्री, दो तो लगा नहीं सकते हैं साथ में। चलिए ए पार्ट में आपकी एरर थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड करेस्पॉन्डेंट आर इन द ऑफिस, जो सेक्रेटरी हैं और करेस्पॉन्डेंट हैं, संवाददाता बोलते हैं जिसको, तो ऑफिस में है, ठीक है, ऑफिस में है, तो यहां पर आप बताइए क्या आपकी एरर है, द सेक्रेटरी एंड करेस्पॉन्डेंट आर इन द ऑफिस, ए बी सी और नो एरर। देखिए यहां पे क्या कहा गया, पहले तो ये देखिए कि इसमें एक पर्सन की बात हुई है या दो पर्सन की बात हुई है, द सेक्रेटरी एंड करेस्पॉन्डेंट, देखिए जब क्या होता है, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो हम फर्स्ट वाले नाउन में ही आर्टिकल का यूज कर लेंगे, द सेक्रेटरी एंड करेस्पॉन्डेंट, जब एंड से जुड़े होते हैं दो नाउन्स और हम लोग फर्स्ट वाले में सिर्फ आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, द प्लस नाउन, अब इसके बाद भी अगर नाउन आता है एंड के साथ तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की, ठीक है, और अगर हम यूज करते हैं द नाउन और फिर एंड फिर द नाउन, दोनों नाउन में आर्टिकल लगा देते हैं तो क्या होता है, दो पर्सन की बात हो रही होती है, दो पर्सन की बात हो रही होती है, तो यहां पर क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाले में आपका आर्टिकल लगा यूज किया गया है, सेकेंड वाले में नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में जो आर दे रखा है यहाँ पर इज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है ना, आर की जगह पर हम लोग इज करेंगे। देखिए हम लोग इसमें दो कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम लोग करेस्पॉन्डेंट के पीछे दा लगाते हैं तो हमारा द सेक्रेटरी एंड द करेस्पॉन्डेंट दो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, आर को एज इट इज रखे रहेंगे, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो हम लोग द कर सकते हैं, द करेस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये कर सकते हैं, या तो हम लोग आर की जगह पर इसको हटाकर इस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों उस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं क्वेश्चन को, या तो आप करेस्पॉन्डेंट के आगे दा लगा दीजिए या तो आर की जगह पे इस कर दीजिए, दोनों तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और बी पार्ट में ही एरर मिल जाएगी, ठीक है, बी पार्ट में ही एरर है, या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए, या तो दो पर्सन बना दीजिए या एक ही पर्सन बना दीजिए, ठीक है, ये नाउन का रूल है, आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चला ये जा सकता है इतनी सुबह, ठीक है, इतनी जल्दी इतनी सुबह कहाँ जा सकता है, ठीक है, कहाँ चला गया है, बताइए क्या एरर है आपकी, ए बी सी या फिर नो एरर, I do not know where could he have gone so early in the morning, कहाँ चला गया वो इतनी सुबह, कहाँ जा सकता है मुझे नहीं पता है कहाँ जा सकता है। चलिए देखिए क्या कहा गया है, देखिए जब बीच में हमारा डब्ल्यू एच वर्ड लगता है, डब्ल्यू एच वर्ड जो आया आपका वाई वेयर ये सब जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, ये आपका अगर बीच में लग रहा है सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है
मिडिल में आ रहा है आपका, वेयर वेयर मिडिल में आ रहा है, और देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा गया है तो वेयर के बाद हम लोग कुड हेल्पिंग वर्ब का मॉडल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, मॉडल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसको। वेयर वेयर ही कुड, वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो आपका वेयर कुड ही हैव गॉन, तो हम लोग लगाते हैं ना वेयर के बाद मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आपका लगा है, तो बीच में आया है ये वर्ड, स्टार्टिंग में नहीं आया है डब्ल्यू एच वर्ड, इसलिए हम लोग वेयर के बाद डायरेक्ट मॉडल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, बी पार्ट में एरर है आपकी, वेयर के बाद हम लोग ही कुड हैव गॉन करेंगे। ये जो कुड ही दे रखा है इसको एक्सचेंज कर लीजिए, पहले आपका कुड इधर था, कुड ही इधर था, कुड था, वेयर कुड ही था, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि बीच में है क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, बीच में आपका आया है, इमर्जन नहीं करेंगे हम इसमें, बीच में आया है आपका, इसलिए मॉडल वर्ब पहले नहीं आएगी, सिंपल सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।